नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, टाइगर वर्सेस पठान जो फिल्म आने वाली है शाहरुख खान तथा सलमान खान की, तो ये फिल्म है, इसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी स्टूडियो में देने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एम्बिशियस मूवी है, जिसमें आप सलमान खान तथा शाहरुख खान जैसे दो बड़े सुपरस्टार को एक साथ फुल फ्लेश रोल में देख सकेंगे। इससे पहले करण अर्जुन में आपने उन दोनों को एक साथ फुल फ्लेश रोल में देखा है, और भी कई फिल्मों में वे साथ नजर आए हैं। लेकिन दोस्तों, अभी जो पठान आई थी उसमें भी सलमान खान का कैमियो था, और टाइगर 3 आ रही है उसमें शाहरुख खान का कैमियो है। लेकिन दोनों एक साथ बड़े पर्दे पर फुल फ्लेश रोल में एक्शन करते हुए टाइगर वर्सेस पठान में नजर आने वाले हैं। तो काफी जबरदस्त फिल्म होने वाली है। इस फिल्म की शूटिंग अगले वर्ष शुरू हो जाएगी, और अभी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम जारी है। तो इसके लिए एक की जो लेटेस्ट न्यूज निकल के सामने आई है वो दोस्तों ये है कि जो लीड एक्ट्रेस है उनका भी इसमें फाइनल कर दिया गया है कि कौन सी लीड एक्ट्रेस इन दोनों कलाकारों के अपोजिट होगी। तो दोस्तों, दो लीड एक्ट्रेस को फाइनल किया गया है, जिसमें एक दीपिका पादुकोण, और इसके अलावा दोस्तों दूसरी एक्ट्रेस का नाम है कैटरीना कैफ। तो कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण इस फिल्म में दो लीड एक्ट्रेस होगी। इसके अलावा और अभी कोई न्यूज सामने नहीं आई है इसमें और कौन कौन से कलाकारों को कास्ट किया जाना है, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग अगले वर्ष जनवरी में शुरू हो जाएगी, ये कंफर्म रिपोर्ट सामने आई है। तो दोस्तों, किस प्रकार का रिस्पॉन्स आप इस फिल्म को मतलब देंगे, और किस प्रकार से बॉक्स ऑफिस पर फिल्म परफॉर्म करेगी, लेकिन इसकी हाइप तो अभी से, जिस दिन इस फिल्म की एक घोषणा हुई थी तब से फिल्म की हाइप बहुत ज्यादा बन चुकी है। तो देखते हैं किस प्रकार की ये फिल्म बनती है। विशेषकर शाहरुख खान तथा सलमान खान के प्रशंसकों के लिए ये बहुत बड़ी खबर रही है। फिलहाल इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। टेक केयर। जय श्री राम।